सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, कह रहे तेरे को क्या हो गया और तू मेरी कुर्सी पे कैसे बैठा? उठ वहाँ से। कुछ नहीं भैया, एकदम से बहुत जोर से पेट दुखने लग गया था, इसलिए मैं वहाँ बैठ गया था। अबे पेट दुख रहा था, माना तो नहीं था ना? अबे सेठ की कुर्सी है वो, चल निकल, कल से आना मत काम पे। सेठ, ये क्या सुलूक है आपका मजदूरों के साथ? अगर ये काम नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे यहाँ। जाओ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, इतने साल काम करने का आपने नतीजा बहुत अच्छा दिया। अरे क्या हो गया, तुम सब कहाँ जा रहे हो? भैया वो छोटे सेठ लियाकत चुप रहे, मैंने ऑनलाइन सब देख लिया था सीसीटीवी कैमरे में, मैं आता हूँ उससे बात करके। मैं अकेले ही सब कर लूंगा। अबे क्या अकेला कर लेगा, तू पागल वागल तो नहीं है? अबे परसों से वो मजदूर काम कर रहे थे अपने बाबूजी के टाइम से। अरे तो भाई वो अपनी कुर्सी पे बैठ गया था वो। अबे अगर वो नहीं होते ना, ये कुर्सी, ये दुकान, ये शोरूम नहीं होता, समझा ना? जाके माफी मांग उनसे। ठीक है भाई। अजम भाई मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था कि हम सेठ लोग आप लोगों के बिना अधूरे। अरे नहीं नहीं मालिक, आप माफी मत मांगो, अपना रिश्ता कोई सेठ नौकर का थोड़ी है, अपना रिश्ता तो एक परिवार की तरह है।